हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितिका, एडमिशन काउंसलर एट अच्छा वाला कॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट 2022 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही है। होपफुली आप सभी को आपकी पसंद के कॉलेज मिल गए होंगे, और अगर नहीं भी मिले हैं तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 2022 में काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो बड़ी हैं, जिसका कुछ खास फ़ायदा देखने को नहीं मिला है वैसे तो, क्योंकि NMC बिल लागू होने की वजह से कई स्टूडेंट्स के मन में एक डर भी बना रहा था कि अगर NMC बिल लागू हो गया तो कई सारे कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। पर क्योंकि NMC बिल में कई सारे लूप होल्स हैं, इसीलिए अभी उसको लागू होने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। इंडिया में 650 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 96,000 अप्रॉक्स सीट्स हैं, और उसमें कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2022 में 15 से 17 लाख बच्चों ने नीट अटेम्प्ट किया था, जिसमें से सिर्फ 9,90,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे। यानी कि अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो उसके बाद भी 8 लाख बच्चे करीबन बचते हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, यानी कि वो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर में जाने का मतलब है कि आपका कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। तो उन बच्चों को, कई सारे बच्चों को कई गाइडलाइंस भी नहीं है कि मतलब उनको क्या ऑप्शन करना है, किस तरह से एडमिशन लेना है, इस वजह कुछ गलतियों की वजह से भी कई बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँ। अभी भी आपके पास लास्ट चांस है अपनी सीट प्राप्त करने का, और वो लास्ट चांस है कर्नाटका। अगर आप नीट क्वालिफाई हैं और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो अभी भी आप कर्नाटका के स्ट्रे वैकेंट राउंड में फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 दिसंबर रात 12 बजे तक है, जिसमें आप फॉर्म फिल करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कई राज्यों में स्टे वैकेंट राउंड में पार्टिसिपेट करके अपनी सीट होल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप कॉलेज में जाकर ईजीली अपनी सीट पा सकते हैं नेगोशिएट करके। लास्ट चांस है आपके पास में एक बेहतरीन कॉलेज पाने का। कर्नाटका के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटका अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अकेडमिक्स के लिए जाना जाता है। तो अभी जल्दी से जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और अभी भी एक लास्ट चांस अपना ग्रैब कीजिए, अपनी सीट होल्ड कीजिए। इसके अलावा आप राजस्थान से भी उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी PIMS और PMCH कॉलेज में सीट्स वैकेंट हैं, जिसके आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको WhatsApp का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ पर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके हमसे नेगोशिएशन के लिए हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेस्ट बंगाल में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ की रिज्यूम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ की काउंसलिंग रुक गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं अभी भी। और भी आप कई स्टेट्स में नेगोशिएशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, और नेगोशिएशन के लिए या किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमें कांटेक्ट करिए। आप किसी भी तरह की आपको हमारी रिक्वायरमेंट हो, हेल्प हो, आप हमसे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीम्ड कॉलेजेस की सीट्स के लिए भी नेगोशिएशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी भी आप अपना साल बचा सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी, आप वो नेगोशिएशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका साल वेस्ट होने से बच जाए, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आपका ईयर वेस्ट हो सकता है। मैं आपको नीट और JEE से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स टीम अच्छा वाला कॉलेज।